संयुक्त राष्ट्र संघ मना रहा है अपने गठन की 75वीं वर्षगांठ। न्यूयॉर्क में इस मौके पर हर साल सितंबर में जुटते हैं दुनिया भर के दिग्गज। वैश्विक एजेंडे को लेकर होता है मंथन। इस साल दुनिया के नेताओं का महासभा के लिए आना नामुमकिन। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट, कोविड 19 के झटके से गड़बड़ाई भारतीय इकोनॉमी। वैश्विक इकोनॉमी में आने वाली है दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी मंदी। इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में आएगी 5.2% की गिरावट। कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में हाहाकार, लगातार बढ़ रही संक्रमितों की संख्या। विश्व में 71 लाख के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या, तो अब तक 4,08,000 से ज्यादा ने तोड़ा दम। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 2,66,000 के पार, तो अब तक 7,000 से ज्यादा ने गंवाई जान। वहीं 1,29,000 इलाज के बाद हुए स्वस्थ। भारत में कोरोना मरीज 2,66,000 के पार पहुंचे, कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, राज्यों को दिए काउंसलिंग सेंटर बनाने के आदेश। पलायन के दौरान मजदूरों पर दर्ज लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमे भी होंगे वापस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट आया नेगेटिव, खांसी और बुखार की थी शिकायत। सीएम केजरीवाल ने अपने आप को किया था आइसोलेट। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को हुआ कोरोना, दिल्ली के मैक्स अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोनों को थी गले में खराश और बुखार की शिकायत। चूरू के तारानगर में कोरोना का प्रकोप जारी, आज 3 नए कोरोना पॉजिटिव आए सामने। तीनों मरीजों को किया मेडिकल कॉलेज में क्वारंटाइन। टोंक जिले के निवाई में भी कोरोना का बढ़ता जा रहा कहर, सरकार की गाइडलाइन का नहीं हो रहा पालन। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां, बिना मास्क के लोग घूम रहे बाजारों में। लॉकडाउन में शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे सोनू सूद की हर तरफ हो रही तारीफ। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने जिस तरह सोनू सूद की आलोचना की थी, उस पर काफी बवाल हुआ। संजय राउत ने सोनू सूद के प्रवासियों की मदद करने को बताया राजनीति से प्रेरित। संजय राउत के बयान पर सोनू सूद का आया रिएक्शन, कहा मैं किसी की खातिर कुछ भी नहीं कर रहा, मैं बस प्रवासियों के लिए कुछ करना चाहता था। संजय राउत अच्छे इंसान हैं और मैं उनकी काफी इज्जत करता हूं, मेरा राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं। बंगाल की खाड़ी में हो रही हलचल ने बढ़ाई चिंता, मौसम विभाग का पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का अनुमान, इससे कई राज्यों में बारिश होने का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर के ऊपर, पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और आंध्र प्रदेश तट से लगे क्षेत्रों में मंगलवार को तेज हवाएं चलने का अलर्ट। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की दी गई चेतावनी। पंजाब के फरीदकोट जिले में महिला का दुपट्टा बाइक की चेन में फंसने से हुआ दर्दनाक हादसा, बेटी से मिलने जा रही थी बुजुर्ग महिला, दुपट्टा बाइक में फंसने से महिला की गर्दन हुई धड़ से अलग। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में महिला ने बीच बाजार सौतन पर की फायरिंग, बाजार में दवा लेकर लौट रही थी 7 महीने की गर्भवती महिला, देसी कट्टे से 4 फायर कर उतारा मौत के घाट, पुलिस गिरफ्त में आरोपी महिला। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 6 बदमाशों और 2 पुलिस वालों को लगी गोली, सभी को इलाज के लिए कराया अस्पताल में भर्ती। बदमाशों से भारी मात्रा में लूट और चोरी का सामान बरामद। उत्तर प्रदेश के डिबाई से पूर्व विधायक गुड्डू पंडित एक बार फिर चर्चा में, कोरोना के दौरान समर्थकों के साथ हाईवे पर फरसे से काटा केक, वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल, नियमों की उड़ाई जमकर धज्जियां। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने की सरपंच की गोली मारकर हत्या, कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे सरपंच, हत्या करने वाले आतंकियों की नहीं हुई पहचान, पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की शुरू। केरल में हथिनी के बाद कुत्ते से हैवानियत, केरल के त्रिशूर से एक मासूम जीव के मुंह को टेप से कसकर बांधा, पीपल फॉर एनिमल वेलफेयर सर्विसेज के सदस्यों ने कुत्ते को करीब 2 हफ्तों बाद बचाया, टेप हटाने के बाद उसने करीब 2 लीटर पानी पिया। कोरोना ने बदली चुनाव प्रचार की तस्वीर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की चुनावी तैयारियां शुरू, गृहमंत्री अमित शाह की पहली वर्चुअल रैली, बीजेपी कार्यकर्ताओं को अमित शाह ने किया संबोधित, अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव। कांग्रेस भाजपा के दिग्गजों में शायराना जंग जारी, राजनाथ सिंह की शायरी पर राहुल गांधी ने किया पलटवार, कहा टिप्पणी हो गई हो तो सवालों के जवाब दे रक्षा मंत्री। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का किया उल्लंघन, 12 घंटे में दूसरी बार तोड़ा संघर्ष विराम, पुंछ नियंत्रण रेखा पर कर रहा तीव्र गोलीबारी, भारतीय सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब।
पंजाब के मोगा जिले में जमीन विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर फायरिंग, हेड कांस्टेबल की मौत, दो पुलिस वालों समेत चार घायल। पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान गांव के ही गुरविंदर सिंह के रूप में। बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर समय पर नहीं खुलने से श्रद्धालुओं को हुई परेशानी, बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचे थे भक्त लेकिन गेट नहीं खुलने से मंदिर प्रशासन के खिलाफ दिखा आक्रोश। देश में 20 लाख से ज्यादा छोटे कारोबारियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने शून्य मासिक जीएसटी रिटर्न भरने वाले कारोबारियों के लिए एसएमएस सेवा की शुरू, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से करना होगा 14409 पर एसएमएस, इसी महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक में होने की संभावना। यूजर्स के प्राइवेट इंटरनेट यूज को ट्रैक करने के लिए गूगल पर कैलिफोर्निया के सैन होज में $5 बिलियन का मुकदमा, कहा कंपनी गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड मैनेजर और दूसरे एप्लीकेशन वेबसाइट प्लग इन के जरिए यूजर्स को करता है ट्रैक। फ्लिपकार्ट का एंटरटेनर नंबर 1 कंपटीशन जीतने वाले टिकटॉक स्टार बाबा जैक्सन और युवराज चर्चा में, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ जैसे सितारे वीडियो को किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट। युवराज के पिता एक मजदूर और घरों में टाइल्स लगाने। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड रवाना, पूरी टीम का कराया गया कोविड-19 टेस्ट, मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड पहुंचने पर पूरी टीम क्वारंटाइन, फिर से होगा कोविड-19 टेस्ट। फिल्म मेकर करण जौहर की फिल्म गुंजन सक्सेना अब नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज, इसका ऐलान करण जौहर ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए किया। फिल्म गुलाबो सीताबो, घूम केतु और चौकड़ी के बाद अब जाह्नवी कपूर की यह फिल्म भी दर्शक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे। यूपी के सहारनपुर में बदमाशों का आतंक, दिन दहाड़े दिया लूट की वारदात को अंजाम, 95,000 की नकदी और लैपटॉप लेकर हुए फरार, तो वहीं आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बिजनौर में दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, फायरिंग में 4 लोग हुए घायल, एक की हालत गंभीर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने फाइनेंस कर्मचारियों को बनाया निशाना, 3 बदमाशों ने हथियारों की नोक पर की लूट, 1,50,000 रुपए लूट कर बदमाश हुए फरार। यूपी के पीलीभीत में टाइगर के हमले से एक युवक की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने चौकी और रेंज ऑफिस में लगाई आग, टाइगर की मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल। यूपी के रायबरेली में धू धू कर जला ट्रक, जगतपुर भिचकोरा गांव में हाईटेंशन लाइन को छूने से हुआ हादसा, दमकलों की मदद से पाया आग पर काबू। मुजफ्फरनगर में युवक की दबंगई का वीडियो वायरल, रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ की फायरिंग से कॉलोनी के लोगों में दहशत, शहर कोतवाली क्षेत्र का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के शाहजहांपुर के खनोत नदी में चल रहे पुल निर्माण का स्वास्थ्य मंत्री ने किया निरीक्षण, कोरोना को लेकर लोगों से किया आह्वान, सोशल डिस्टेंसिंग की जाए पालना। मथुरा में ऊर्जा मंत्री निकले साइकिल भ्रमण पर, होली गेट, चौक बाजार और भरतपुर गेट के बाजारों का किया लिया जायजा, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। एमपी बोर्ड के बचे हुए पेपरों की परीक्षाएं आज से हुई शुरू, प्रदेश भर में करीब 8.5 लाख छात्रों के लिए बनाए गए 4,000 केंद्र, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद हुई परीक्षा केंद्रों में एंट्री। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव की तैयारियां तेज, भारत निर्वाचन आयोग ने सीईओ आनंद कुमार को बनाया पर्यवेक्षक, वहीं विधानसभा सचिव होंगे रिटर्निंग अधिकारी, जब मतदान होगा तब सचिव कहलाएंगे पीठासीन अधिकारी। प्रदेश में 29 जून से खुलेगी रेगुलर अदालतें, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया निर्णय, हाईकोर्ट कॉन्फ्रेंस हॉल में रिव्यू बैठक का हुआ आयोजन। स्वतंत्रता सेनानी भगवान सिंह बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर सीएम का ट्वीट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी श्रद्धांजलि, कहा बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया और बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उनका साहस, संकल्प और बलिदान हमें प्रेरणा देता है। पूर्व बीकानेर रियासत के राजा कर्णी सिंह की पौत्र वधु पद्मा कुमारी का हुआ निधन, जूनागढ़ से निकली अंतिम यात्रा, देवीकुंड सागर स्थित राजपरिवार की शमशान भूमि पर किया अंतिम संस्कार, कोरोना गाइडलाइन की हुई पालना। बीकानेर की पूर्व राजमाता पद्मा कुमारी का निधन, राज्यपाल कलराज मिश्र ने जताई संवेदना, राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से की प्रार्थना, शोक संतप्त परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना।
मिड डे मील को लेकर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक, मिड डे मील के कई कार्यों को लेकर हुई चर्चा। 11 जून तक मिड डे मील का गेहूं होगा वितरण, वित्त, शिक्षा और WCD के अधिकारी रहे मौजूद। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में ऑनलाइन ठगी का गिरोह सक्रिय है, पुलिस के नाम पर लोगों को साइबर ठग बना रहे निशाना, पीड़ित ने पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। सीकर के अजीतगढ़ में 8 माह की गर्भवती महिला का गर्भपात करने पर मामला आया सामने, परिजनों का आरोप, अस्पताल की लापरवाही से हुई मौत, विवाहिता के भाई ने गीतांजलि अस्पताल के खिलाफ कराया मामला दर्ज, पुलिस जुटी जांच में। पाली के सुमेरपुर में पुलिस ने बिना मास्क पहने लोगों के काटे चालान, 19 लोगों से वसूला जुर्माना, बिना कागजात 9 वाहनों को किया जब्त, बाजार में बिना मास्क घूमने वालों पर भी की कार्रवाई। सवाईमाधोपुर के मलारना डूगर पुलिस थाने पर सांपों का डेरा, खौफ के साए में जी रहे पुलिसकर्मी, अब तक सपेरे के शिकंजे में फंसे 3 सांप। बीकानेर के खाजूवाला में ट्रक की चपेट में आए ऊंट गाड़ी, हादसे में एक परिवार के 2 लोगों की मौत तो 6 लोग हुए घायल, वहीं हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हंगामा। लॉकडाउन खुलने के बाद जोधपुर में बड़ा अपराध का ग्राफ, अशोक कॉलोनी में मुंह बोले भाई ने की बहन की हत्या, हत्या के बाद गला काटकर की आत्महत्या। लालसोट के मुलिया गांव में दलित परिवार के साथ अत्याचार, दबंगों ने धारदार हथियार से किया हमला, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। गुहाना के जेतपुर गांव में 2 दोस्तों की निर्मम हत्या, कुल्हाड़ी से वार कर उतारा मौत के घाट, प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा मामला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पाली के देसूर में दबंगों ने दिखाई दबंगाई, युवती से छेड़छाड़ के बाद दबंगों ने की भाई की पिटाई, पीड़िता ने SP से लगाई न्याय की गुहार, जीवन कला गांव का मामला। डूंगरपुर में महिला का वीडियो वायरल, वीडियो में चिकित्सा विभाग पर लगाए आरोप, कोविड सेंटर में व्यवस्थाओं की खुली पोल। बारा के कस्बा थाना में नल के पानी से सांप जैसा निकला कीड़ा, लोगों में दहशत का माहौल, कई बार गंदा पानी की शिकायत के बावजूद समस्या दर्ज की तक। जालौर के आहोर में टिकटॉक का विरोध शुरू, मीणा समाज ने की आपत्तिजनक वीडियो के मामले में कार्रवाई की मांग, पूरे समाज में आक्रोश। जालौर के सायला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तड़वा में नकली घी बनाने की फैक्ट्री पर छापा, मौके से बड़ी मात्रा में नकली घी मिलने की सूचना पर की गई कार्रवाई। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने किया इंटीग्रेटेड बुक का विमोचन, माहेश्वरी समाज की शिक्षा समिति ने की है बुक प्रकाशित, CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार पुस्तक। कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन सख्त, 12 के कस्बा थाना में बाहर से आए लोगों को किया होम आइसोलेट। अजमेर के नसीराबाद में हुआ A1 TV की खबर का असर, हरकत में आया छावनी परिषद, क्षतिग्रस्त चैंबर का कार्य शुरू, करीब 2.5 महीने बाद पर्यटकों के लिए फिर से खुला अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व, पर्यटकों की सुरक्षा के विशेष इंतजाम, सरकारी गाइडलाइन की हो रही पालना। पर्यावरण संरक्षण के लिए झुंझुनू पुलिस की मुहिम, पुलिस लाइन में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन, SP JC शर्मा, ASP वीरेंद्र मीणा और कई लोग मौजूद। लॉकडाउन में महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी, 3 दिन में पेट्रोल 1.74 रुपये महंगा हुआ तो 3 दिन में डीजल 1.78 रुपये हुआ महंगा। बंगाल की खाड़ी में हुई हलचल तेज, तटीय इलाकों में बड़ी लोगों में चिंता, मौसम विभाग ने कई राज्यों में किया बारिश का अलर्ट जारी। जोधपुर के बोरुंदा में दिगंबर जैनाचार्य रैण सागर महाराज ने किया धर्म सभा को संबोधित, कहा हर व्यक्ति को करनी चाहिए सरकारी दिशा निर्देशों की पालना, भामाशाह से गरीबों को मदद करने की अपील। श्रीगंगानगर के घरसाना में AEN कार्यालय का घेराव, SFI ने महीने के बिल बिजली माफ करने की मांग, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सौंपा ज्ञापन। बारा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, धड़ल्ले से किया जा रहा अवैध खनन, खनन विभाग और पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई, खुलेआम बेची जा रही अवैध बजरी। धौलपुर की निहालगंज थाना पुलिस की कार्रवाई, अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को किया गिरफ्तार, पुलिस की को देख बदमाश ने किया भागने का प्रयास लेकिन रहा नाकाम। बीकानेर नगर निगम में विवाद के बाद कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर, कार्यालय के सभी कमरों पर जरा ताला, पार्षदों और आयुक्त के बीच चल रहे विवाद के बाद कर्मचारी भी उतरे विरोध में। मांडलगढ़ विधायक ने बूथ जनसंपर्क अभियान का किया आगाज, PM मोदी का संदेश पत्र, दुकानदारों को बांटा, स्वदेशी सामग्री अपनाने पर भी दिया जोर। सीकर के दातारामगढ़ में ग्रामीणों ने किया जाम, करनीपुर में पानी और राशन के लिए आंदोलन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के प्रति लोगों में आक्रोश। ओशिया में कोरोना योद्धाओं का किया गया सम्मान, पुलिस के जवानों और चिकित्सा कर्मियों का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर किया सम्मान, उपखंड के 21 पॉजिटिव हो चुके हैं स्वस्थ।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजातरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।